हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आज आपको बैंगन की ऐसी रेसिपी देखने को मिलेगी जो आज से पहले आपने नहीं बनाई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए, मैंने एक बैंगन लिया है, इसको मैं इस पर ऐसे रख के अच्छे से भून लूँगी। ठीक है, इसको मैं चारों तरफ से ऐसे पलट पलट के खूब अच्छे से इसके पकने तक हमको भूनना है। और फ्रेंड देखिए, मैंने ये 5 टमाटर लिए हैं मेरे, कुछ जो छोटे ऐसे थे, बहुत बड़े नहीं थे, मीडियम साइज़ का थे 2 टमाटर और छोटे थे। मैंने 5 टमाटर लिए, मगर मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो आपको 4 टमाटर लेने हैं। वो फ्रेंड देखिए, ऊपर से इसका ये निकाल के, इसको टोपी कहते हैं, चोपी जो भी आप कहते हैं, और इसको हमको फ्रेंड देखिए इसमें ऐसे बीच से कट लगा देना। ये लगाने से ये होगा कि आपके टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतरेगा। अब फ्रेंड्स, हमने सारे टमाटर में ऐसे कट लगा लिया है। और फ्रेंड हमने देखिए पानी उबलने को चढ़ा दिया था, इसमें हमको अपने टमाटर ऐसे डाल देने हैं। कोशिश करिएगा कि ये हिस्सा जो है ये नीचे रहे, जिससे कि ये थोड़ा कड़ा होता है, जल्दी गल जाए। और अब हम इसको गलने तक हम उबाल लेंगे, मुलायमन तक, बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा अंदर का गूदा निकल आए, बस छिलका इसका आसानी से उतर जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसको उबाल लेंगे। मैं इसको ढक के उबालूंगी, थोड़ा जल्दी उबलेंगे। फ्रेंड्स, फिर बैगन पे आते हैं। फ्रेंड देखिए, हमारा बैगन देखिए हर तरफ से अच्छे से भुन गया, देख रहे हैं। मैं उंगली लगा रही हूँ, गर्म तो है, बट देखिए सब पूरा ये बिल्कुल मुलायम हो गया है। फ्रेंड देखिए, बिल्कुल हर तरफ से, आप ऐसे घुमा घुमा के चेक कर लीजिएगा, हर तरफ से बिल्कुल ये मुलायम हो गया। अब फ्रेंड्स, इसको हमको गैस को ऑफ कर देना है। फ्रेंड देखिए, ये पानी लिया है हमने एक कटोरे में, उसमें हमको ये बैगन डाल देना है, इससे थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और बहुत जल्दी ये छिल भी जाएगा। फ्रेंड्स, इसको हम पानी में डाल देंगे और फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद, अभी बहुत गर्म है, हम इसका छिलका उतार देंगे। इसका छिलका बहुत आसानी से फ्रेंड्स उतर जाएगा, अभी तो बहुत गर्म है, देखिए ऐसे करके बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बैगन को जो है वो छील लिया है अच्छे से, देखिए ऊपर से मैंने सारा छिलका हटा दिया। बैंगन को हमने अच्छे से छील लिया, एक बार खोल के हमने चेक भी कर लिया है चक्कू से ऐसे करके कि कहीं गंदा ना हो, बट फ्रेंड्स गंदा है नहीं बैंगन, पहले से ही देख के ऐसे लेना चाहिए कि कीड़े, वैसे आजकल बहुत ही कमी आते भी हैं कीड़े बैंगन में, फिर भी ये देखिए हमने पूरा छील लिया। अब हम फ्रेंड्स टमाटर को भी छील लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये थोड़े से धनिया के पत्ते, 5-6 जवा लहसुन और मिर्च को अपने सुने। फ्रेंड्स, मेरे लहसुन बड़े हैं इसलिए मैंने 4 लिए, अगर आपके थोड़े छोटे वाले जवे हो तो आप 6-7 जवा लीजिएगा, 6-7 कली। और मैंने मिर्च ली है 4, आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च को ले सकते हैं। अब सबको हमको फ्रेंड्स एक तरफ कर लेना है, फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फ्रेंड देखिए, हमने टमाटर को भी छील लिया, खूब अच्छे से वहाँ छिलके उतर गए थे। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, एक कोई बाउल लेना है, उसमें टमाटर को रखना है और उसको ऐसे ऐसे हम करेंगे, देखिए इसका सारा रस, जो टमाटर का रस है वो अलग हो जाएगा। टमाटर का रस अलग करके हमको ऐसे सारे टमाटरों का रस अलग करके और टमाटर को हमको अलग रखना है। अभी गर्म है क्योंकि फ्रेंड्स, नहीं तो हाथ से भी ये बहुत अच्छे से ऐसे आप निचोड़ेंगे तो हो जाएगा, हाथ से भी हो जाएगा। मुझे इस समय थोड़ी जल्दी है तो मैं गर्म ही में कर रही हूँ, आपके पास अगर टाइम हो तो आप ठंडा करके तब करिए। ऐसे सारे टमाटरों का रस हमको अलग कर लेना है, देखिए टमाटर का, इस तरह हमको सारे टमाटरों का रस अलग करके रख लेना है। फ्रेंड देखिए, हमने ये टमाटर का रस अलग कर लिया है और टमाटर मेरे रखे हैं, बैंगन है। अब फ्रेंड ये हमने लिए, आप इसको जानते हैं, अगर आप फ्रेंड्स इसको अपने घर में यूज़ करते हैं तो मुझे बताइए, सिल लिए, मेरे ख्याल से आजकल के नए लोग तो इसको नहीं जानते होंगे, मैंने सिल ली है। बट अगर आपके पास सिल नहीं है तो आप ये टमाटर को और अलग अलग सबको पीसिएगा, टमाटर को मिक्सी में पीस लीजिएगा, बैंगन को एक बार मिक्सी में हल्का सा चन करके चला लीजिएगा और धनिया लहसुन मिर्चा जो लिया था उसको भी आप मिक्सी में महीन पीस लीजिएगा। बट फ्रेंड्स इसका, इस रेसिपी का जो मज़ा है वो ट्रेडिशनल तरीके से सिल पे ही खाने से उसमें मज़ा आएगा। तो इसको फ्रेंड्स हम बारी बारी से धनिया लहसुन मिर्चा टमाटर सब चीज़ अलग अलग करके हम इसको सिल में पीस लेंगे। फ्रेंड मैंने धनिया लहसुन मिर्चा पीस लिया, पहले इसको, सबसे पहले इसको पीसा है, ये बैंगन पीसने के बाद सिल जो है थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी। अब इसको फ्रेंड्स हमको जो हमने अपना टमाटर का रस रखा है निकाल के, उसी में हम हर चीज़ पीस पीस के इसी में डालते जाएंगे। फ्रेंड देखिए, हमारी सब चीज़ को हमने पीस के अच्छे से इसमें रख लिया था, जिसमें हमने टमाटर का रस निकाला था उसी में हमने रख लिया था। फ्रेंड अगर आपके पास ये सिल ना हो तो आप इसको धनिया मिर्चा को अलग पीस सकते हैं, आजकल वो नए जनरेशन के पास ये सिल विल वो लोग नहीं रखते हैं, तो आप इसको धनिया मिर्चा को अलग मिक्सी में पीस लीजिए
टमाटर को अलग पीसिएगा और बैंगन को अलग पीसिएगा, बिल्कुल हल्का सा चन कर करके पीसिएगा। टमाटर और धनिया मिर्च को तो महीन कर लीजिएगा और बैंगन को चन कर करके पीसिएगा। बट फ्रेंड्स, इस रेसिपी का ये जो मज़ा है, असली मज़ा, ये सिल पे पीसने पे, पीस के खाने पे ही आता है। बट आप मिक्सी में भी पीसेंगे तो उतना ख़राब नहीं लगेगा। अब इसमें फ्रेंड्स अपने स्वाद के अनुसार हमको नमक डाल देना है, और अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ एक चीज़ और डालनी है, वो है फ्रेंड्स ये सरसों का तेल। हमें इसमें कच्चा ही सरसों का तेल डालना है। हमने इसमें एक टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है, और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी टेस्टी यमी रेसिपी बनके तैयार है। फ्रेंड देखा, इस तरह की बिल्कुल अमेजिंग रेसिपी आपने अभी तक नहीं बनाई होगी। बैगन की ये रेसिपी तो आपने बिल्कुल अभी तक नहीं बनाई होगी। फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में जो सिल है कि नहीं है, आपने ये रेसिपी अगर ट्राई करी तो कैसे बनाई, आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? मैं तो इसको बैगन का भरता या कहते हैं, बहुत लोग उसको बैगन की चटनी कहते हैं। आप लोग इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड, इस एक बार इस अमेजिंग सी बैगन की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड, हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को फुल वॉच के साथ देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से रेसिपी आपकी बन सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।